कि 2 अगस्त से 15 अगस्त तक हम सभी में तिरंगा लगा सकते। हेलो दोस्तों, आपने जो स्टार्टिंग में प्रीव्यू देखा, इस तरह का वीडियो इंस्टाग्राम रील्स पे बहुत ही ट्रेंड पे चल रहा है। अगर आप भी इस तरह का रील्स वीडियो क्रिएट करके इंस्टाग्राम रील्स पे अपलोड करते हैं तो अच्छे खासे व्यूज आने की संभावना बन जाती है। तो इस तरह का रील्स वीडियो बनाना बहुत ही आसान है। इस तरह का रील्स वीडियो बनाने के लिए आपको एक ऐप की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम VN ऐप। ये आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। जैसे आप VN ऐप को डाउनलोड करें, उसके बाद आपको VN ऐप ओपन कर लेना है। जैसे आप VN ऐप को ओपन कर लेंगे, उसके बाद आपको प्लस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको डिपोजिट पे क्लिक कर लेना है। 9 सेकंड के वीडियो में टेलीग्राम पर मिल जाएगा, वहाँ जाकर डाउनलोड करना है। जैसे आप 9 सेकंड का वीडियो सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको फोटो पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप फोटो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको फेसबुक का फोटो लेना है, उसके बाद आपको इंस्टाग्राम और लास्ट में आपको व्हाट्सअप का ले लेना है। जैसे आप व्हाट्सअप 3 स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद आपको एरो पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप एरो पर क्लिक करेंगे, आपका फोटो वीडियो VN ऐप में ऐड हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट में आने के बाद आपको ब्लैक कलर का वाटर मार्क दीजिएगा, आपको इसे डिलीट कर लेना है। जैसे आप डिलीट कर लेंगे, उसके बाद आपको फर्स्ट में आ जाएगा। फर्स्ट में आने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं, फर्स्ट वीडियो में आपको वाटर मार्क दिख जाएगा, आपको इसे स्प्लिट करके डिलीट कर लेना है। आपको स्प्लिट पर क्लिक करना है। जैसे स्प्लिट पर क्लिक करें, उसके बाद आपको फर्स्ट वीडियो पर आ जाए, जो फर्स्ट पार्ट है आपको इसे डिलीट कर लेना है। डिलीट करने के बाद आपको वीडियो म्यूजिक रहेगा, आपको इसे म्यूट कर लेना है। जिसे आप म्यूट कर लेंगे, उसके बाद आपको म्यूजिक ऐड करना है। म्यूजिक ऐड करने के लिए आपको टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक कर लेना है। जिसे आप टैप टू ऐड म्यूजिक पर क्लिक करें, आपको म्यूजिक पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप म्यूजिक पर क्लिक करें, उसके बाद आपको प्लस पर क्लिक करना है। जैसे आप प्लस पर क्लिक करें, आपको स्ट्रेट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप स्ट्रेट फ्रॉम वीडियो पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको रील्स वीडियो में टेलीग्राम मिल जाएगा, वह जगह डाउनलोड करना है। जैसे आप डाउनलोड करें, ओके पर क्लिक करें, कुछ टाइम प्रोसेसिंग लेगा। जैसे प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाए, उसके बाद आपको चूज पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप चूज पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको बीट ऐड करना है। बीट ऐड करने के लिए आपको म्यूजिक बीट पर क्लिक करना है। जैसे म्यूजिक बीट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको बीट मैं दिखा देता हूँ। पहला बीट है हमारा 9.11 सेकेंड, दूसरा बीट है हमारा 11.78 सेकेंड, तीसरा बीट है हमारा 14.11 सेकेंड। जैसे आप 3 बीट ऐड कर लेंगे, उसके बाद आपको डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डन पे क्लिक करें, आपको दोबारा से डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप डन पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको फोटो पर आ जाना है। फोटो पर आने के बाद आपको दूसरे बीट पर क्लिक करना है। जैसे आप दूसरे बीट पर क्लिक करें, उसके बाद आपको फोटो को ट्रिम कर लेना है। जैसे आप ट्रिम कर लेंगे, उसके बाद आपको लास्ट वाले बीट पर क्लिक करना है। लास्ट वाले बीट पर क्लिक करने के बाद आपको इस फोटो को भी ट्रिम कर लेना है। उसके बाद आपका लास्ट में जितना म्यूजिक है उतना ही आपको लास्ट वाले फोटो को रख लेना है। उसके बाद आपको इसे भी ट्रिम कर लेना है। यहाँ से मैं कर लेता हूँ। जैसे आप कर लेंगे, उसके बाद आपको फर्स्ट में आ जाना है। फर्स्ट में आने के बाद आपको यहाँ वीडियो और फोटो के बीच में आपको प्लस दिख जाएगा, आपको प्लस पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करें, उसके बाद आपको जूम इन को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप जूम इन को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको इफेक्ट्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप इफेक्ट्स पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आप यहाँ से कोई सा भी एक इफेक्ट लगा सकते हैं। यहाँ से मैं जूम आउट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप जूम आउट को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद आपको इसे फुल कर लेना है। जैसे आप फुल कर लेंगे, उसके बाद आपको इसे फर्स्ट में कर लेना है। फर्स्ट में करने के बाद आपको अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेंगे, उसके बाद आपको फर्स्ट वीडियो में आ जाना है। हमें वीडियो में इफेक्ट्स नहीं ऐड करना है, आपको इस इफेक्ट्स पे क्लिक करें। जैसे इफेक्ट्स पे क्लिक करें, उसके बाद आपको नॉन पे क्लिक करके आपको डन पे क्लिक कर लेना है। अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर लेना है। जैसे अप्लाई टू ऑल पे क्लिक करेंगे, आपका वीडियो बन जाएगा। मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। जैसे ही आपका वीडियो बन जाए, उसके बाद आपको ओरिजिनल पे क्लिक करना है। जैसे आप ओरिजिनल पे क्लिक करेंगे, आपको टिकटॉक रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे आप टिकटॉक रेशियो को सिलेक्ट करें, उसके बाद आपको स्पोर्ट पे क्लिक करें। जैसे आप स्पोर्ट पे क्लिक करेंगे, आपको डन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आपका वीडियो 100% स्पोर्ट जाए, उसके बाद आपको सेव टू एल्बम पर क्लिक करना है। जैसे आप सेव टू एल्बम पर क्लिक करेंगे, आपका वीडियो गैलरी में सेव हो जाएगा।